हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग वाकिफ होंगे इस क्वेश्चन से, बहुत भागते हैं स्टूडेंट। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं एकदम आसानी से। इसमें एक वर्ड यूज किया है कि इस बात को तो आप प्रूफ कीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए, इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए, कभी भी हम बताए थे कि 8.4 सॉल्व करना है तो आप क्या करिए जनरली, कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, वो जनरली बन जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में तो आपका देख रहे हैं कि साइन कॉस में ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, न इसके बाद एलसीएम ले पाओगे न कुछ कर पाओगे। तो जब एलसीएम भी नहीं ले पाओगे, साइन कॉस में कन्वर्टेड है ही, तो आगे प्रोसीड कैसे करें, कैसे सोचें। तो जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो रेशनलाइजेशन करो। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से भी। लेकिन एक वर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि इस आइडेंटिटी का यूज करके ही बनाना है, तो एक हिंट लगे कि ये आइडेंटिटी यूज करने का मतलब क्या है। इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना और कॉट में कन्वर्ट करना, जब तक कि LHS आपका कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। तो देखते हैं कि कॉसेक ए एक्चुअली होता क्या है। तो 1/sin A होता है। फिर कॉट ए के बारे में सोचे कि कॉट ए क्या होता है, तो ये कॉस ए बाई साइन ए होता है। तो इसका मतलब एक कॉमन चीज़ हमें दिख रहा है कि कॉसेक ए के लिए भी डिनोमिनेटर में साइन ए है और कॉट ए के लिए भी साइन ए डिनोमिनेटर में है। तो वहाँ से हिंट लेके हम कहेंगे कि अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से तो काम बन जाएगा। डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, तो साइन ए से अगर हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी, और इसको न्यूमरेटर बोल रहे हैं है ना, और इसको क्या बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में अगर हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्यों नहीं हम पूरा में डिवाइड करने के बजाय बारी बारी से सब में डिवाइड कर दें, तो अगला स्टेप मेरा बच जाएगा। तो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए और प्लस 1/sin A। और डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड करना है तो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1/sin A। अब फायदा क्या हो जाएगा हमें कि जैसे ही हमें कॉस ए बाई साइन ए नजर आएगा हम तुरंत कॉट ए लिखेंगे है ना। तो यहाँ पे जो होगा, अब ये कॉट ए में कन्वर्ट होगा माइनस, ये तो कट ही जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1/sin A कॉसेक ए तो प्लस में कॉसेक ए। फिर डिवाइड में आ जाइए, कॉस बाई साइन अगेन कॉट ए, फिर प्लस, ये सेम तो एकदम कट जाएगा, और माइनस अगेन कॉसेक ए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब दिमाग नहीं काम करेगा कि अब क्या करें, तो फिर अब ये रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने से पहले एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि आप कॉसेक ए से भी रेशनलाइज करिएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अगर इजी करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करो, या फिर हाँ, ये प्लस 1 जो दिख रहा है ना आपको, इससे रेशनलाइजेशन कीजिए। मतलब कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस प्लस 1 को RHS में करिए, RHS तो इसमें नहीं करना है, मतलब शिफ्ट कर दीजिए, कॉसेक ए को इधर लेके आ जाइए और प्लस 1 को उधर लेके चले जाइए। तो एक ही तरफ इधर उधर करने से साइन चेंज नहीं होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और ये प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है। तो कॉसेक का साइन तो माइनस ही था, हाँ आप चाहते हैं इस माइनस 1 को भी उधर करना तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, बस डिनोमिनेटर वाले को कर किया जाता है। अब आप रेशनलाइज कर दीजिए इस प्लस से,
कहने का मतलब क्या होता है आप याद रखिएगा अभी जो बोल रहे हैं। प्लस वन का रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि ये वाली क्वांटिटी एकदम हूबहू सेम रहेगी, आ इसका माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये कि अब आपको क्या करना है कि इसको पहले प्रिंट आउट करना है, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, इसको तो प्रिंट आउट करना है क्वेश्चन को हूबहू। नीचे भी प्रिंट आउट करना है आपको, कॉट ए प्लस सॉरी माइनस है माइनस कॉसेक ए और प्लस वन है, ये तो क्वेश्चन रहा अभी तक। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, मिटा देते हैं क्योंकि बस हिंट लेना था आपको कि अब क्या करना है। अब ये प्लस वन का साइन चेंज करके, मतलब ये सेम रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और ये माइनस वन करिए, तो अगर आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर से उसे मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है ना, उसी नंबर से आपको डिवाइड करना होगा। तो अब नीचे में तो एक फार्मूला दिख जाएगा आपको, ए प्लस बी और यहाँ से यहाँ तक ए, क्योंकि कॉट ए माइनस कॉसेक ए को आप ए बोल रहे हैं तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए को ए बोलिए, और ये प्लस वन और वो माइनस वन, तो प्लस बी और माइनस बी, तो नीचे तो ए प्लस बी ए माइनस बी नज़र आएगा। ऊपर भी अगर ध्यान से देखिएगा तो नज़र आ सकता है कि ये कॉट ए माइनस वन है, अगर आप इसे ए मान रहे हैं तो क्या उधर कॉट ए माइनस वन है, तो बिल्कुल है। इस कॉट ए माइनस वन को आप एक साथ कर लीजिए और कॉसेक ए को उधर अगर करिएगा तो अगर ये आप ए मान रहे हैं तो ये प्लस में बी होगा, है ना, तो ए प्लस बी आपका ये नज़र आएगा। तो आप पहले कर ही लीजिए, मतलब कि कॉट ए माइनस वन प्लस, क्योंकि डायरेक्ट गुना भी करिएगा तो वही रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने से बचते हैं हम लोग। कॉट ए माइनस वन को एक साथ कर लीजिए और माइनस कॉसेक ए को एक साथ कर लीजिए, और नीचे देखिए, नीचे तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी लगा चुके हैं, तो ए का स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं इस चीज़ का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए तो कितना होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा आपका ए है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक आप ए कह लीजिए, ये बी कह लीजिए, फिर तो ये सेम है ना, कॉट ए माइनस वन कॉट ए माइनस वन, तो ए हो जाएगा, ये प्लस बी और ये माइनस बी, तो अगेन ऊपर भी ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉट ए माइनस वन ए और इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर है। और डिवाइड में आप क्या करिए कि इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a माइनस टू ए बी, तो टू कॉट a इंटू कॉसेक a, और पहले से यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर है तो ये रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर में भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देना है, ठीक है, तो इतना के बाद आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अब हमें नहीं है। आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, चलिए तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करिए कि इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, तो टू कॉट a और माइनस कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या देखिएगा, तो आपको एक बात दिखाते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर a और ये माइनस वन कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से इसी आइडेंटिटी को यूज करने के लिए बोला था ना उसने, तो अगर हम बोले कि कॉसेक स्क्वायर ए, इस वन को इधर लेके आ जाइए, तो माइनस वन, तो कॉसेक स्क्वायर ए
और माइनस वन एक ही एक्सप्रेशन में है LHS में या RHS में, तो उसके जगह पे हम इस दोनों के स्थान पे एक साथ अगर हम कर दें, इस टू cot A और cos A के को उधर कर दें, तो एक जगह अगर आएगा तो वो cos A के स्क्वायर माइनस वन की तरह नज़र आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर A। और ये एक पहले से cot स्क्वायर A है, तो इसको रहने दीजिए और उसको लिख लीजिए प्लस cot स्क्वायर A, और फिर क्या है बीच में माइनस टू cot A इंटू cos A के, तो लिख दीजिए cos A के। ऊपर देखिए, ऊपर अगर देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि ये cos A की स्क्वायर A और माइनस, या फिर वो देखिए वो वन प्लस cot स्क्वायर A, ये दिख रहा है वन प्लस cot स्क्वायर A, तो डायरेक्ट वन प्लस cot स्क्वायर A की जगह पे हम लोग cos A की स्क्वायर A लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cos A की स्क्वायर A माइनस, ये कितना हुआ टू cot A, और माइनस ये पहले से है क्योंकि उस आइडेंटिटी का यूज करना था, हम कर रहे हैं यूज, ये cot स्क्वायर A cot स्क्वायर A क्या बन जाएगा टू cot स्क्वायर A, और माइनस टू cot A इंटू cos A। अब ये देखिए ये वाली क्वांटिटी cos A स्क्वायर A और ये cos A स्क्वायर A कट जाएगा, ऊपर से क्या है माइनस टू cot A है, और डिनोमिनेटर में आप टू cot A कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में cot A है और टू भी है, तो इसमें क्या बचेगा cot A बचेगा, इसमें टू cot A कॉमन नहीं है, क्या बचेगा cos A बचेगा। तो अब देखेंगे कि ये cot A इंटू में कटा, टू टू कटा, ये माइनस को क्या करते हैं कि इसके अंदर भेज देते हैं नीचे, तो ऊपर वन बचेगा, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं पहले cos A को और फिर माइनस cot A को, क्योंकि आपको माइनस से गुना करना है, तो प्लस वाला cot A वाला माइनस में बदलेगा और माइनस वाला प्लस में बदलेगा। अब ज़रा सोचिए कि हमको लाना क्या था और आया क्या है, लाना था आपको cos A प्लस cot A और आया है वन डिवाइडेड बाई cos A माइनस cot A, तो अभी तो नहीं आया है, तो आप सोचिए कि आपका न्यूमरेटर क्या है। तो आप बोलिएगा कि सर मेरा न्यूमरेटर तो भैया cos A प्लस cot A है, तो एक काम करते हैं उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जो हमको लाना है, जो हमको लाना है यानी कि ये आया हुआ है वन बाई cos A माइनस cot A, और हमको न्यूमरेटर में चाहिए कितना, तो उसको ज़बरदस्ती इंटू कर देते हैं cos A प्लस cot A। तो आप कहोगे कि सर आप गलत कर रहे हैं, बैलेंस कीजिए, तो हम कहेंगे ठीक है बाबू बैलेंस कर लेते हैं, तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस हो गया है ना। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर में जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो cos A प्लस cot A ही रह जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी जब यूज होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा cos A स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर है। और आपको तो ये फार्मूला बताए थे, चाहे यहाँ से भी देख लीजिए कि अगर cot स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो cos A स्क्वायर है माइनस वन सॉरी माइनस cot स्क्वायर है वन होगा, इसका मतलब कि ये नीचे डिनोमिनेटर वन हो गया, तो cos A प्लस cot A डिवाइडेड बाई वन। अब वन को नहीं भी लिखे तो क्या फ़र्क पड़ता है, दिस इम्प्लाई cos A प्लस cot A, और यही तो आपका RHS था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, दो बार देखिए तीन बार देखिए और उसके बाद हर स्टेप को आप सोचिए कि याद कर लें, ठीक है, और दो तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप चीज़ों को समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, मिलते हैं आप अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।